हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेनॉल्ड्स डिजीज। आप फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिन्होंने अब तक नहीं किया है। और आप अपने जूनियर्स को भी इन वीडियो को शेयर कीजिए जो अभी फोर्थ ईयर में आने वाले हैं। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक अब शुरू करते हैं, रेनॉल्ड्स डिजीज। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। फिर आता है रेनॉल्ड्स डिजीज में, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डेफिनेशन क्या है या इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं। दिस डिजीज वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रेनॉल्ड्स इन 1862। रेनॉल्ड्स ने इसको डिस्कवर किया था 1862 में, इसलिए इस डिजीज को रेनॉल्ड्स डिजीज नाम दिया गया है। इसमें क्या होता है, जैसे ही पेशेंट को एक्सपोजर होता है कोल्ड का एक्सपोजर होने से उसकी जो डिजिटल्स हैं यानी फिंगर्स हैं, इनमें क्या होगा, वैसोस्पास्टिक कंडीशन होगी, वैसोस्पास्टिक चेंजेस होंगे, यानी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें स्पाज्म हो जाएगा। स्पाज्म होने की वजह से ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो जैसे फिंगर की टिप पहले उसको पैलार दिखने लगेगी, पैलार के बाद वो साइनोसिस यानी ब्लू कलर की हो जाएगी, फिर दोबारा से रेड और स्वॉलन हो जाएंगी। ये पूरा जो फिनोमिना है इसको हम रेनॉल्ड्स फिनोमिना भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ वैसोस्पास्टिक कंडीशन ऑफ द डिजिटल ब्लड वेसल इन रिस्पॉन्स टू एबनॉर्मल हाइपर सेंसिटिविटी टू कोल्ड। और ये मोस्टली वुमन में देखने को मिलता है। ठीक है, रेनॉल्ड्स फिनोमिना क्या होता है, अब जो मैंने बोला रेनॉल्ड्स फिनोमिना एक फिनोमिना होता है, मतलब जो वैसोस्पास्टिक कंडीशन आती है उसमें भी कुछ सीरीज होती है। तो रेनॉल्ड्स फिनोमिना क्या है, इट इज डिफाइंड एज एपिसोडिक अटैक ऑफ वैसोस्पाज्म ऑफ डिजिटल ब्लड वेसल रिजल्टिंग इन ट्राईफेजिक कलर चेंज। ट्राईफेजिक यानी तीन फेज में कलर चेंज होता है ऑफ द डिजिटल इन सीक्वेंस, और वो भी सीक्वेंस में होगा। क्या, सबसे पहले पेलार, देन साइनोसिस एंड देन रूबर, यानी रेड कलर का होगा, पहले पेलार फिर साइनोसिस देन रूबर। ठीक है, दिस फिनोमिना अफेक्ट द हैंड मोस्ट कॉमनली एंड रेयरली, इट कैन अकर इन फीट, ईयर, नोज या लिप्स में भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये जो हमारे हाथ हैं डिजिटल, ये जो हैं इनमें हो सकता है, डिजिटल ब्लड वेसल में ये रेनॉल्ड्स फिनोमिना आते हैं। फिर आते हैं इसके कॉजेस पे हम, इटियोलॉजी क्या है इसकी। ठीक है, कुछ इसके एग्रीवेटेड फैक्टर्स हैं जिसको एग्रीवेट करते हैं, जैसे कैफीन का यूज करना, एस्ट्रोजन या नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं, स्मोकिंग जिनमें जो ज्यादा करते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और ये कॉजेज के बेसिस पे दो तरह का है हमारे पास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होगा, यानी ये प्राइमरी मीन्स ये इडियोपैथिक है, मोस्टली पेशेंट को जैसे कोल्ड के प्रति एबनॉर्मल हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है उनको, तो वो होता है हमारा प्राइमरी। सेकेंडरी क्या है, किसी और डिजीज की वजह से, यानी पेशेंट को कोई और डिजीज है उससे रिलेटेड, उस डिजीज की वजह से ये रेनॉल्ड्स डिजीज या रेनॉल्ड्स फिनोमिना देखने को मिलता है। सेकेंडरी में जैसे TAO आता है, यानी थ्रोम्बो एंजाइटिस, जो ऑब्लिट्रेन्स है, इससे पहले हमने पढ़ा बर्जर्स डिजीज, उसकी वजह से भी हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है, ऑक्यूपेशन जैसे जो ड्रिलर्स होते हैं, जो टाइपिस्ट होते हैं उनमें ज्यादा देखने को मिलेगा, इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स जिनमें जैसे एर्गोटामिन है या प्रोपेनोलॉल है, पॉइजनिंग ऑफ लेड या आर्सेनिक या फ्रॉस्ट बाइट की वजह से। ठीक है, अब इसके हम जो क्लिनिकल फीचर्स पढ़ते हैं वो क्या है, इसमें क्या है, कोल्ड का जैसे ही एक्सपोजर हुआ तो तीन स्टेजेस आती हैं पर्सन में। पहली आती है स्टेज ऑफ ब्लेंचिंग, स्टेज ऑफ ब्लेंचिंग, देन स्टेज ऑफ एनोक्सिया, स्टेज ऑफ रेड एनगॉर्जमेंट। अब इसमें कलर चेंजेस कैसे होते हैं, तो वो आप इसको याद रख सकते हो WBC से। ठीक है, WBC यानी व्हाइट यानी पेल कलर होता है पहले, फिर होता है ब्लू यानी साइनोसिस, सी फॉर क्रिम्सन यानी रेड कलर का। ठीक है, स्टेज ऑफ ब्लेंचिंग आती है पहले, क्या होता है स्टेज ऑफ ब्लेंचिंग, जैसे ही कोल्ड का एक्सपोजर होता है तो जो डिजिटल आर्टरीज हैं उनमें स्पाज्म आएगा, स्पाज्म की वजह से ब्लड फ्लो हमारे डिजिटल में होगा नहीं,
जिसकी वजह से वो पलार हो जाएंगी, यानी ब्लेंचिंग हो जाएगी फिंगर्स की, जिसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ ब्लेंचिंग। ये पहले टिप से स्टार्ट होता है, देन यहां से पलार होना शुरू होगा, फिर पूरे बेस ऑफ फिंगर तक चला जाता है और नमनेस हो जाती है फिंगर्स में, दैट इज स्टेज ऑफ ब्लेंचिंग। दूसरी आती है स्टेज ऑफ एनोक्सिया। एनोक्सिया में क्या होगा, जैसे ही ये तो ठंड का एक्सपोजर था, वैसे तो नहीं है वो ठंड में ही रहेगा, जैसे उसका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, वो किसी थोड़े वार्म एरिया में जाता है, तो क्या होगा, अब जो स्पाज्म है वो रिलैक्स होना स्टार्ट होगा। जैसे ही स्पाज्म रिलैक्स होना स्टार्ट होगा, जो कैपिलरीज है वो स्लोली स्लोली फिल होंगी ब्लड से। कौन सा ब्लड, जो रुक गया था, यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, अब उससे वो फिल होने लगेंगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उनमें जैसे ही भरेगा तो वो साइनोसिस हो जाएगी, यानी उनका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा डिजिटल्स का। तो इसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ एनोक्सिया, स्टेज ऑफ साइनोसिस। इसमें भी हमारी जो फिंगर्स है वो कोल्ड ही रहेंगी शुरू में, और फिर वो क्या हो, नम भी रहेंगी। फिर आती है स्टेज ऑफ रेड एनगॉजमेंट, जैसे पूरा स्पाज्म रिलैक्स हो जाता है, पूरा स्पाज्म ठीक हो जाता है। इसमें क्या हुआ, कोल्ड के एक्सपोजर से स्पाज्म हुआ डिजिटल ब्लड वेसल्स में, इसमें क्या हुआ, वो स्पाज्म रिलैक्स होना स्टार्ट हुआ। अब एकदम से कोई चीज ऐसे स्पाज्म है वो एकदम से तो नहीं होगी, स्लोली स्पाज्म रिलैक्स होने लगेगा, तो स्टेज ऑफ एनोक्सिया आती है। पहले जैसे वो स्पाज्म पूरा खुल जाता है, दैट इज स्टेज ऑफ रेड एनगॉजमेंट। अब उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भरेगा तो कलर क्या हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। दिस स्टेज इज नोन एज रेड एनगॉजमेंट, स्टेज ऑफ रेड एनगॉजमेंट। इसमें जो डिजिटल है उनकी जो फिंगर्स हैं उसमें क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी और पेन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। फिर आता है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, आप इस डिजीज को कैसे डायग्नोस करोगे, इसका कुछ क्राइटेरिया है, किसको इस फिनोमिना के अंडर आप रखोगे। पहले तो ये मोस्ट कॉमन, यानी 10 टाइम्स मोर कॉमन होता है वुमन में। अगर कोई वुमन आपको ये शिकायत कर रही है कि ऐसा ऐसा उसको होता है, तो मीन्स उसमें ज्यादा चांसेस हो गए कि हाँ इसको रेनॉल्ड्स डिजीज हो सकती है। फिर दूसरा, ये आफ्टर प्यूबर्टी और बिफोर मेनोपोज होता है यूजुअली, ठीक है। या फिर उस पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री हो कि वो बोले कि मेरे मम्मी पापा या किसी ऐसे को पहले होती थी ये डिजीज, तो फैमिली हिस्ट्री मिलेगी, ठीक है। और यूजुअली बायलेटरल होगा ये, और फिंगर जो है वो इसमें व्हाइट और कोल्ड लगेंगी उसकी। फिर आती है इन्वेस्टिगेशंस में हमें क्या कराना है। अब उसने तो आपको ये लक्षण बता दिए कि जैसे ही मैं ठंड में जाता हूँ जी, ऐसे ऐसे फिंगर्स का कलर ऐसे चेंज होता है, ये उन्होंने बता दिया, लेकिन आप भी तो उसको इन्वेस्टिगेशन करके देखोगे कि सच में ऐसा है या नहीं। तो इसके लिए आप टेस्ट करते हो कोल्ड एंड वार्म वाटर टेस्ट। अब आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, आपको पता है कि उसको कोल्ड में जाएगा तो ये सिम्टम आएंगे, फिर जब टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो ये सिम्टम आएंगे। तो कोल्ड एंड वार्म वाटर टेस्ट करते हैं। सबसे पहले उसकी जो फिंगर्स हैं हैंड की, उसको कोल्ड वाटर में हम 5 मिनट तक रखते हैं। 5 मिनट के बाद रखने पर आपको देखने को मिलेगा कि जो फिंगर्स हैं वो पेल होनी स्टार्ट हो गई हैं। पेल होनी जैसी स्टार्ट हुई, आपने कोल्ड वाटर से निकालकर उनको गर्म पानी में रखा, फिर वो क्या होंगी, उनका कलर ब्लू हो जाएगा क्योंकि स्पाज्म रिलैक्स होने लगेगा। ब्लू होने के बाद फिर उसकी फिंगर्स जो है वो जैसे ही फुल स्पाज्म रिलैक्स होगा तो वो क्या होंगी, रेड कलर की हो जाएंगी। इसको हम बोलते हैं कोल्ड एंड वार्म वाटर टेस्ट पॉजिटिव आया, यानी वो रेनॉल्ड्स डिजीज में आता है। फिर उसके बाद डॉपलर यूएसजी करा सकते हैं कि कहीं इसको एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं है। टीएसएच लेवल टेस्ट कर सकते हैं, यूरिया या इलेक्ट्रोलाइट्स चेक कर सकते हैं पेशेंट के। देन वी कम टू इट्स ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है, हमें जो हमने प्राइमरी बताया कि इडियोपैथी का या सेंसिटिविटी टू कोल्ड जिनके बढ़ गए उनको ये हो जाता है, तो उसमें तो ट्रीटमेंट का कोई ज्यादा इफेक्ट होता ही नहीं है। मतलब आप पेशेंट, मतलब उसको कोई रीजन ही आपको नहीं पता चल रहा तो आप कैसे ट्रीट करोगे। और उसको ठंड से प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको यही हिदायत दे सकते हो ना कि वो ठंड से बचे, बस दूर रहे कि ठंडे एरिया में नहीं जाना, या जब ठंड हो रही है तो गर्म कपड़े पहन के रखने हैं, ठीक है। तो आप इसको सिर्फ एडवाइज कर सकते हो, कोई ऐसे मेडिसिनल कोई भी नहीं है इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आप पेशेंट को बोलोगे कि प्रोटेक्टेड रहे वो एक्सपोजर टू कोल्ड से, और बाकी अगर कोई सेकेंडरी, मतलब रेनॉल्ड्स डिजीज की बात करें हम, सेकेंडरी है यानी किसी और बीमारी की वजह से उसको रेनॉल्ड्स डिजीज हुई है, जैसे टी ओ है, तो उसके जो भी थे, जैसे स्मोकिंग को स्टॉप करना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज कर सकते हैं हम,
वैसोडायलेटर्स यूज कर सकते हैं। और इसका हमने सेकेंडरी में बताया था कि जो जैसे एरगोटामिन, ये प्रोपेनोलोल, ये ड्रग्स जो ज्यादा यूज कर रहे हैं उनको हो सकता है, तो इन ड्रग को हमें अवॉइड करना है, ठीक है। और अगर नेक्रोसिस हो गई है कि अब क्या होता है, पेशेंट को अगर ये वाले सिम्टम बार बार देखने को मिल रहे हैं तो क्या होगा, इस एरिया में अब अच्छे से ब्लड नहीं जा रहा, तो ये नेक्रोज होना स्टार्ट हो जाएगा, डेड हो जाएगा। जैसे ही अगर ये नेक्रोज होगा, आपको दिख रहा है कि नेक्रोसिस हो रही है टिश्यू की, तो एम्पुटेशन करना पड़ता है, ठीक है, या हम लेजर थेरेपी कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया रेनॉल्ड्स डिजीज। थैंक यू।